यहाँ पे देखो एकदम छोटा सा तालाब भी हो गया है। ओ भाई इधर भी है, काफी बड़ा तालाब हो गया। यहाँ पे बारिश तो मतलब रुक ही नहीं रही है थोड़ी देर के लिए भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, फिलहाल अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज संडे है, तो अगेन देर से ही उठा था, 8 बजे के करीब मैं उठा था। तो फिलहाल अभी मैं ड्राइंग करने के लिए बैठ चुका हूँ। तो गाइस फिलहाल अभी 1:30 बज चुके हैं, तो हम लोगों को जाना है फिलहाल बाहर। तो कहाँ पे जा रहे हैं वो लोग आप लोग जाकर ही देखना, हम लोग बस जस्ट निकल ही रहे, तो मैंने सोचा फटाफट व्लॉग कर लूँ क्योंकि कब से मैंने व्लॉग नहीं किया। सो ठीक है, फटाफट निकलते हैं। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग जगत नाका पे, डीमार्ट देख के पता चली गया होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं पंचर वाले को ढूंढने के लिए, क्योंकि गाड़ी में पंचर हो गया है। तो पंचर वाले को ढूंढ लेते हैं अगर यहीं पर ही नज़दीक में होगा तो, वरना अदरवाइज स्पेयर व्हील तो है ही। और भाई अचानक से भाई खिल्ला घुस गया पूरा का पूरा, पता ही नहीं चला, सारी हवा निकल गई एक झटके में। ये तो अच्छा हुआ इधर साइड रोड पे खड़े थे इसलिए। सो ठीक है, फटाफट अभी पंचर वाले को ढूंढते हैं, वैसे ही बारिश चालू है तो सभी लोग पहुँच चुके हैं। वैसे जाना कहाँ पर है मुझे भी नहीं, सिर्फ लोकेशन के सहारे पे ही जा रहे हैं। जेल कहाँ चला गया? आगे आगे, बारिश तेज हो गई, चल भाग। चलो फाइनली पंचर वाला तो मिल गया, उनको कॉल कर दिया है, आ रहे आ रहे। भाई बारिश इतनी ज़्यादा तेज हो गई, भाई छाता रख इधर। भाई संडे को क्या ही हालत हो गई है, घूमने के लिए निकले थे, जैसे घूमने के लिए तो नहीं किसी काम से निकले थे और फंस गए। सो गाइस देखो पीछे का टायर तो पूरा ही पंचर हो चुका है। देखो गाइस ये किला घुस चुका था इसमें। तो फिलहाल ये भैया जैक लेकर आए, तो अभी फटाफट पंचर लग जाएगा, तो उसके बाद निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। देखो ये पीछे एक पूरा हॉस्टल बोल सकते हो, तो यहाँ पे सभी बच्चों को खाना खिलाना है दर्शन और उनकी तरफ से। तो हम लोग इसीलिए आए हैं, मतलब सेवा करने के लिए आए, काम करवाने के लिए। देखो दर्शन। तो फिलहाल अभी हम लोग बाहर मेन रोड की तरफ जा रहे हैं बस ऐसे ही टहलने के लिए। और एकदम मस्त मौसम हो रखा है, एकदम चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, ऐसा लग रहा है हम लोग एकदम जंगल में आ चुके हैं। ये देखो एकदम खुला रास्ता, क्योंकि इस तरफ एंडिंग में सिर्फ ये स्कूल ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, और बारिश तो मतलब रुक ही नहीं रही है यहाँ पे, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम ठंडा माहौल है। तो देखते हैं बाहर मेन रोड तक जाते हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे। यहाँ पे देखो एकदम छोटा सा तालाब भी हो गया है। ओ भाई इधर भी है, काफ़ी बड़ा तालाब हो गया। यहाँ पे बारिश तो मतलब रुक ही नहीं रही है थोड़ी देर के लिए भी। लो दर्शन अभी वापस आ रहा है, रील्स बना रहा था भाई। स्कूल में एकदम गाने बज रहे, तो मुझे यहाँ पे दूर आके व्लॉग करना पड़ रहा है। तो जेनल तो देखो आगे की तरफ चले ही जा रहे हैं, ये बार मेन रोड तो आ ही गया, लेकिन यहाँ पे एक गाड़ी भी नहीं निकल रही है लिटरली। बहुत शांति है यहाँ पर। So guys, ये देख लो ये है मेन रोड, और कोई गाड़ी नहीं निकल रही है, क्योंकि इधर एक साइड में एक ही रास्ता है जो कि सीधा स्कूल पे जाता है और ख़त्म हो जाता है। और ये शायद मंदिर है मेरे हिसाब से, तो मंदिर ही लग रहा है, तो इधर भी कौन ही आएगा। उसके बाजू में तो कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब हम लोग एकदम एंड पे खड़े हैं। और भाई ये दोनों कहाँ रहे थे? अच्छा है ना यहीं पर ही है कि मुझे छोड़ के भाग गए? अच्छा रील्स शूट करे, देखो दोनों के दोनों ही। मैंने तो अपनी रील शूट कर ली मस्त वाली, सो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी। और ड्राइंग चैनल के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, सो वो तो मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो आप लोग जाके देख लेना। और फिलहाल अभी हम लोग वापस चलते हैं, कोई काम होगा वहाँ पे, हम लोग बिना बताए आ गए। चलो अभी वापस चलते हैं, और वैसे भी हम लोगों को यहाँ पर शाम तक रहना है, तो एकदम एंजॉय ली शाम के टाइम पर आएंगे फिर से, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो फाइनली सभी का रील शूट करते तो हो गया, तो हम लोग वापस अभी जा रहे हैं स्कूल पे, और खाना पीना बन रहा होगा, और हमारा अभी रात का डिनर यहीं पर ही है, तो यहीं पर ही खा के जाना है, तो 7-8 तो बजी जाएंगे आराम से, तो घर पे जाकर व्लॉग एडिटिंग का वैसे टाइम तो मिल ही जाएगा। और यहाँ पर तो ना एकदम अलग ही फीलिंग आ रही है, बहुत मस्त, जैसे हम लोग घूमने के लिए आए हो वैसी। देखो गाइस कुछ इस तरीके का है स्कूल, और इधर पीछे की तरफ है पूरा डिनर। देखो गाइस फिलहाल यहाँ पे चल रही है डिनर की तैयारी। गाइस फिलहाल अभी हम लोग सेकेंड टाइम आए हैं वापस से इसी रोड पे, दर्शन को दूसरी बार रील शूट करनी है, क्यों इंस्टाग्राम पे सही नहीं आई थी इसलिए। सो दर्शन अपनी रील शूट कर रहा है, और जिनील अपना मस्त फोटो खिंचवा रहा है, खींच रहा है, स्नैप पाल रहा है, स्नैप खींच रहा है। इसका 60 FPS ना वो नहीं करता क्या, सपोर्ट नहीं करता इंस्टाग्राम। तो गाइस फिलहाल अभी हम तीनों इधर बाहर मेन रोड पे खड़े, तो इधर मंदिर में जाने वाले अभी आने लगे, तो शायद से अभी वाह यार क्या मस्त लुक आ रहा है।
इधर से नेक्स्ट लेवल अगर ऐसी जगह पे करो ना क्या व्लॉग बनेंगे। सो गाइस देखो मेरा फोन मैंने यहाँ पे टाइम लैप्सिंग के लिए लगाया और फिलहाल मैं दर्शन के आईफोन से शूट कर रहा हूँ, तो मस्त इधर टाइम लैप्सिंग ले रहा होगा। और क्या बादल जा रहे हैं एकदम मस्त, और इसके फोन में भी क्लैरिटी तो अच्छी है भाई आईफोन में। देखो दर्शन ने क्या पकड़ा है। तुझे क्या मजा आता है ऐसा सब हरकतें करने में भाई, दूर रख। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे वापस आए हैं स्कूल पे, क्योंकि अभी डिनर यहाँ पे चालू होगा इन सभी का। गाइस फिलहाल अभी यहाँ पे सारे बच्चे खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे पिरसने में खड़े हैं। चलो गाइस सबका खाना पीना तो कम्प्लीट हो चुका है, सो फिलहाल सभी लोग घर की तरफ निकल रहे। ओए हमको भी घर में ही जाने, ओ भाई हमको घर पे जाने। तो चलो सभी लोग घर जा रहे हैं तो हम भी घर चलते हैं। तो गाइस अभी तो हम लोग घर जा रहे थे लेकिन अभी आए रास्ते में करमनाथ, सॉरी गलतेश्वर। तो यहाँ के आगे के सिनेमेटिक शॉट्स आप लोग एंजॉय कीजिए, बहुत मस्त मंदिर है। सो गाइस अभी तो हम लोग गलतेश्वर में है, मंदिर तो दोनों के दोनों बंद हो चुके हैं लेकिन यहाँ पे आप लोग शांति देखो, मतलब इधर आप लोगों को पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी अगर आप लोग दिन में आओगे तो, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है लिटरली, सिर्फ मंदिर के फाटक बंद हुए, बाकी मंदिर मतलब ऐसे पंडांगण में तो हम लोग घूम ही सकते हैं। लिटरली इतनी ज़्यादा शांति है पहली बार देखी, और वो देखो सामने का एरिया पूरा डेवलप हो चुका है, सो काफी ज्यादा मजा आ रहा है यार यहाँ पे। तो हमारे साथ जो दूसरे लोग थे वो भी आते जा रहे हैं अभी। सो गाइस यहाँ पे एकदम मस्त घूम लिया है, सो फिलहाल सभी लोग घर पे वापस जा रहे हैं तो हम यहाँ पे रुक के क्या ही करेंगे, सो घर पे वापस चलते। तो देखो यहाँ पे क्या मस्त एकदम फाइव स्टार होटल जैसी फीलिंग आई, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। हम जब आए थे तब तो यहाँ पे बन रहा था लेकिन लिटरली कोई भी नहीं है, एकदम शांति है और जगह बहुत ही मस्त है। सो ठीक है फिलहाल अभी घर चलते हैं। चलो फाइनली घर तो पहुँच गए, सो फिलहाल अभी 10 बज रहे, सो ठीक है बस इस व्लॉग का खत्म है एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सो गाइस फिलहाल अभी हम आ गए।